हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो आज मैं आया हूँ साकेत के साथ सेकंड डे वर्कआउट करने। आज पुल सेशन है, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग बैक एंड बाइसेप्स। तो मैं आज आपको पूरा का पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा। मैंने सोचा इसमें बातें कम रखूंगा एंड वर्कआउट ज़्यादा, ताकि आपको एक प्रॉपर पुल वर्कआउट मिल जाए और आप जाके अपने जिम में यही सेम पुल वर्कआउट लगाओ अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो ये जो कल हम बात कर रहे थे कि हम पुल वर्कआउट में क्या क्या करेंगे, तो बेसिकली पहली जो दो एक्सरसाइज हैं वो मैंने सजेस्ट करा कि इस चीज़ में हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत आसान है करना और इसमें हम हैवी जा सकते हैं, वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहता हैवी जाने का, क्योंकि मशीन्स में उतना हैवी जा नहीं सकते। तो फिर इसने बोला कि वो दो पहले करेंगे एंड मशीन्स जो है बाकी की चार पाँच ये बताएगा, बढ़िया मशीन्स बाद में करेंगे। एंड फुल तोड़ देंगे आज, फुल तोड़ देंगे। आर्म्स का थंबनेल मैं अभी से इमेजिन कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, आर्म्स ऐसे फट रहे और ऐसा कुछ थंबनेल आ जाए। और आज सुबह आया है, सुबह के 9 बज रहे जिम, मेरे लिए बहुत नया है। साकेत बहुत अर्ली मॉर्निंग ट्रेन करता है, सुबह 7-8 बजे ट्रेन कर लेता है वो। मैं शाम को ही जिम जाता हूँ, मैं सुबह उठता ही अभी हूँ, तो थोड़ा सा नया है इसीलिए कुछ खाया नहीं है, घर पे नहीं है तो प्री वर्कआउट मील नहीं बना पाए। एक दही योगर्ट, एक आइसक्रीम, एक गेटोरेड और एक जूस है और एक पानी की बॉटल ले ली, बस इतना ही है मेरे पे, यही खाऊँगा। 5-10 मिनट में आ रहा है, वेट कर रहे हैं। नो एक्सक्यूज़, बहुत तगड़ा वर्कआउट होने वाला है। इन्जॉय कर रहा हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग, वापस से इन्जॉय कर रहा हूँ खुद को। 1.5 घंटे प्रॉपर हाइपरट्रॉफी, प्रॉपर ट्रेन करना मैं चाहता हूँ कि आज से 12-14 हफ्ते बाद एक प्रॉपर फिजिक तैयार होके आए। मतलब मैं ये नहीं कहता स्टेज रेडी या बहुत ज़्यादा श्रेडेड वगैरह, बट मैं चाहता हूँ कि मैं 11-12% पे 93-94 kg पे रहूं, ताकि बहुत बढ़िया एक फिजिक दिखे ऑन कैमरा। सो या लेट्स गो, वेट करते हैं, बढ़िया फाड़ देंगे आज। सो ये मैंने टी शर्ट खरीदी थी बट मेरे पे स्लीव्स नहीं है पहनने के लिए जिम में, और बैक डे बाइसेप डे है तो स्लीव्स चाहिए। सो इसको हम स्लीव में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाय। अच्छा स्लीव बोल रहे क्या? स्लीवलेस बोल। हाँ स्लीवलेस। ज़्यादा छोटी है बट ये ज़्यादा छोटी होगी। ज़्यादा छोटी जाने के लिए मेरे पास है इसका टी शर्ट है। क्या टी शर्ट है? नहीं, वो टी शर्ट जो बनाने की कोशिश करी वो तो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई तो उसको रहन दिया। साकेत की टी शर्ट मैंने पहन ली, वो वेस्ट पहन के वर्कआउट कर रहा है। और पहले मैं बारबेल रोइंग कर रहा हूँ, सो मैं पूरा ये वर्कआउट वीडियो रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बारबेल रोइंग कर रहा हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ बैक डे पे, 4 सेट 10-12 रेप, और वो मशीन रो कर रहा है बिकॉज उसकी बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है। सो मैं जनरली क्या करता हूँ, आधा स्कूप प्री वर्कआउट से 30 मिनट पहले लेता हूँ, मतलब 20-15 मिनट पहले, ताकि वो स्टार्ट करूँ तो किक इन हो जाए। एंड वर्कआउट के बीच में जैसे एक एक्सरसाइज हो गई उसके बाद और आधा स्कूप लेता हूँ, तो एक ही बार में एक स्कूप नहीं आधा आधा करके लेता हूँ। तो पहला सेट था 90 किलो, 8 रेप, 8 या 10 रेप किए थे वो एज अ वॉर्म था। अब ये मेन सेट होगा 110 kg है, इस पर 8 से 9 रेप के 3 सेट। अब ये मेन सेट होगा, एक सेट मैंने ऐसी थोड़ा सा बॉडी हीट करने के लिए करा। Yeah.
सबसे पहले बाबेल रोइंग करी 4 सेट, फिर इंक्लाइन डंबल रोइंग करी बहुत स्ट्रिक्ट 4 सेट्स, और अभी कर रहे हैं लैट पुल डाउन, इसके करेंगे 4 सेट। इसमें फुल फेलियर जा रहा हूँ, ट्रू आरपी 10, मतलब लास्ट के 2-3 रेप थोड़े खींच के भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बॉडी बिल्डिंग है, इस एक्सरसाइज में क्या इंजरी का चांस है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लैट पुल डाउन है यार, बेसिक है, तो यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा 4-5 चीट रेप्स ले सकते हो। ये इंस्टाग्राम पे बहुत साइंस चलती है, गुड फॉर्म ये फॉर्म, ठीक है। पहले 8 रेप 9 रेप कंट्रोल से आ गए, अब नहीं आ रहे, ठीक है। थोड़ा पुश लेंगे, थोड़ा लेग से लेंगे, एंड लास्ट के 4-5 रेप और करेंगे, ठीक है। एक ये भी मेंटालिटी होनी चाहिए, थोड़े से चीट रेप्स इज ऑलवेज गुड। सो ये 3rd एक्सरसाइज है, एंड यहाँ पे साकेत का लास्ट सेट है, लेट्स गो। With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. तो ये भाई जिम में मिले हैं, और आप यहाँ पे मैनेजर हो? नहीं, ट्रेनर है। तो मैंने इन्हें बोला है कि 6 महीने बाद मैं सेम जिम आऊँगा, मान लो 6-7 महीने बाद, तो मुझे पहचान में नहीं आना चाहिए, इतनी ज़्यादा बॉडी होनी चाहिए, पक्की बात। सो हमारा फुल वर्कआउट ऑलमोस्ट बैक का ख़त्म हुआ, तो बैक के ख़त्म होने के बाद मैंने 15 दिन हो गया है बेंच नहीं करी है, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई कि 100 kgs पे कितने रेप्स में आज भी परफॉर्म कर सकूँ। अब देख, कल हमारा पुश डे था और संगा ने नॉट सो फ्रेश कंडीशन में इंक्लाइन डंबल प्रेस 50 kg लगाया 20 रेप के लिए, बाय दैट लॉजिक वो भी 100 है और वो और ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो आई थिंक उसमें ज़्यादा इसके भी 20 आने चाहिए, ऐसे मेरा प्रेडिक्शन है। मेरा ऑल टाइम बेस्ट क्या है? आई थिंक 21 है, क्योंकि मे बी 18-20 आ जाएंगे, बिकॉज मैं फटी हूँ काफ़ी कल से, बहुत ज़्यादा कल पुश करा है, पूरा पुश। सोचो अभी पूरा बैक वर्कआउट हो गया है, सिर्फ बाइसेप्स और हेडलेट्स बचे हैं, और तब 18 आई वांट टू ट्राई। सो इट्स लेट्स सी, लेट्स सी, दिमाग में 18 डाल दिया है, लेट्स सी चल करेगा। सो नेक्स्ट जब भी मैं पुश करूंगा आई ट्राई 100 kg मैक्स। मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे करता है, नींद नहीं आती मेरा ना, जैसे ही बाहर आया मैं स्विच हो गया, मैंने बोला कि मतलब कुछ छोड़ के जाना है, एवरीबॉडी इज वॉचिंग, कुछ छोड़ के जाना है कि क्या किया था 100 kg पे, नहीं भूलने वाला मजा है। सो जनरली पुल वर्कआउट में मैं बस 6 सेट रखता हूँ बाइसेप्स के। ये पहले एक्सरसाइज है केबल कर्ल्स, पुश टिल एग्जॉशन, जब तक जान है तब तक पुश करो, लास्ट के 2-3 रेप हेल्प लो, 20 रेप पहुँचना है इसमें, ठीक है।
बता नहीं सकता कि पिछले दो दिन कितने स्पेशल है और क्या ट्रेनिंग हुई है और एक दूसरे से क्या क्या सीखने को मिला है. नॉट जस्ट वर्कआउट, एज अ पर्सन हम क्या एक दूसरे से ले सकते हैं. आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑनेस्टली. दो साल छोटा है बट स्टिल हैव टेकन अ लॉट ऑफ थिंग्स. लॉट ऑफ थिंग्स या बट लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आई फील लाइक वी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर. या ऐसे मुझे लगता है. हाँ एंड मैं सिंगा को ये जिम में भी बता रहा था बट पिछले दो सालों से मैं हर रोज अकेले ट्रेन कर रहा हूँ और एक जिम ब्रो, एक लाइक माइंडेड जिम ब्रो का एग्जिस्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे इन दो दिनों में समझ में आया. सो इट वॉज अमेजिंग. आई हैड द बेस्ट टाइम. वी केप पुशिंग, बहुत मजा आया और ऐसे ही होना चाहिए. या अब इस कमेंट में, इस पोस्ट पे मैं कमेंट करूँगा, तू पिन कर उस पर भी एक और पेटिशन होगा ताकि सिंगा पुणे मूव करे परमानेंटली. क्या आप ये हर रोज देखना चाहोगे? बहुत ज़्यादा फन कंटेंट होगा फिर. बहुत ब्रो, बहुत. आई विल कीप पुशिंग हिम. फन कंटेंट, फन ट्रेनिंग. या एंड देन खाने के लिए जाएंगे. फन ब्रदरहुड, इट वाज फन मैन. अंटिल नेक्स्ट टाइम. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. कमिंग ना, पेंडिंग था काफी टाइम से. या दिस वाज अ ड्रीम. आई सेड दिस इज अ ड्रीम. आई थिंक 3 सालों से ये पेंडिंग हमने मैनिफेस्ट करा हुआ है काफी टाइम. डेफिनेटली ब्रो, मैंने कब से विजुलाइज किया है दैट me walking in your society, me coming in your house, training in evolve, us training in evolve, fun. Awesome. Karan, hum to bro milte rahenge. Tu Pune mein hi rehta hai. Aa ja, kabhi bhi aa ja. Theek hai. Bye.